guys, good morning. Welcome to Unacademy UGC NET. A very good morning to all of you. आप सभी लोगों का स्वागत है guys हमारे इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ करंट अफेयर के अंदर, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ एनवायरमेंट से रिलेटेड मई मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। सो आज के क्वेश्चंस लेकर आप लोगों के सामने हूँ। एक बार मुझे जल्दी से अपना एवी चेक करा दीजिए। इफ एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज ऑडिबल, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। गुड मॉर्निंग आशु, गुड मॉर्निंग सुधा, विनोद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे ताकि सारे स्टूडेंट्स हमारे लाइव आ सकें एंड दे कैन नो दैट हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। करंट अफेयर का क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर इस वक्त आप लोगों को दिख रहा होगा थंबनेल पर जो मैंने दिया था, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट जो आप लोगों का पूरा वीक रहा था गाइज, वो पूरा का पूरा वीक जो था वो डेडिकेटेड था UN को लेकर, और उसके नोट्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। होपफुली आप लोगों तक पहुँच गए होंगे, जिनके पास नहीं पहुँचे हैं वो बाकी स्टूडेंट से मांग सकते हैं। मैंने सारे नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था गाइस कि UN जब हम पढ़ते हैं तो एक एपिसेंटर मिल जाता है कि करंट अफेयर को कहाँ से स्टार्ट करना है, स्पेशली डेडिकेटेड टू UGC नेट एग्जामिनेशन, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों इसको डेडिकेशन के लिए ही पढ़ सकते हैं। इतना ज़्यादा करंट अफेयर आप लोगों का एज करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है ना, बट एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपके डेफिनेटली आते हैं, जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। एनुअल रिपोर्ट है, कौन ये रिपोर्ट निकालता है, क्या इसका सिनेरियो रहता है, इंडिया की क्या पोजीशन है इस वक्त, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती है, राइट। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। मेरा नाम अदिति शर्मा है। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए गाइस, क्योंकि इस चैनल ने आप लोगों को पिछले एक साल से और कुछ नहीं सिर्फ डेडिकेशन दिया है UGC नेट एग्जामिनेशन, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, और आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। अगर आप नए हो तो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड गाइज अदिति 10 है। ये रेफरल कोड आप लोगों के काम आता है गाइज एज अनलॉक कोड। ये आप लोग किसी की भी स्पेशल क्लास देखना चाहते हो, स्पेशल क्लास टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है अनअकैडमी की, आप उन फ्री क्लासेस को देख सकते हो, इस अनलॉक कर सकते हो क्लासेस को। या फिर अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, इररिस्पेक्टिव कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। ऑल्दो मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, जिससे मैंने अपना JRF लिया है। अगर आपका और कोई भी सब्जेक्ट है, आप उनका कोर्स पूरा करना चाहते हो, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट से। और अगर आप मेरे बैच में एनरोल होना चाहते हो तो रेफरल कोड अदिति 10 यूज़ कर कर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अपने नए बैच की, तो मेरा जो नया बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से, और इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ ICT। पेपर 1 का फुल लेंथ कोर्स है और इस वक्त मैं ICT आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगर आपका टारगेट है JRF तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बैच बन चुका है, काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। सो टारगेट JRF 2021, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के, राइट। सब्सक्रिप्शन फीस आप लोगों के सामने है, मात्र 1000 रुपये महीना की फीस है गाइस, और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। इससे कम अगर आप लेना चाहते हैं तो 6 मंथ्स मिनिमम आप लोग लीजिए। 3 मंथ और 1 मंथ के अंदर गाइस सिर्फ कंफ्यूजन होगा, कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 6 या फिर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसके अलावा भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके पास होता है, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है, पर्सनल कोच आपको मिलता है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। फीस आपके सामने है, अगर कोई भी प्लस लेने की सोच रहा है ज़रूर एक बार कंसिडर करिएगा, आपको बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है आइकॉनिक के अंदर। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करती हूँ। आई होप कि वीडियो को सभी बच्चे आप जल्दी से शेयर करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बात करने वाले हैं हम आज क्वेश्चन नंबर 1 कि रीफ टॉक्सिक, ये जो आप लोगों का सनस्क्रीन है गाइस, इसे कौन से नेशन ने अभी रिसेंटली बैन किया है? ये आप लोगों का एक अच्छा क्वेश्चन है जो बन सकता है। विच नेशन हैज रिसेंटली बैन रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पलाऊ या फिर नारू? तो देखिए गाइस इसका करेक्ट आंसर होने वाला है पलाऊ, ठीक है, पलाऊ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन जो है वो बैन कर दिया है, इस छोटी सी कंट्री है ये, और ये इन्होंने इसलिए किया है गाइस क्योंकि ये जितने भी आप लोगों के केमिकल्स हैं ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, किसको? कोरल्स को, ठीक है ना, और साइंटिफिक एविडेंसेस इस केमिकल के मिले गए हैं। सो इसीलिए कहा गया, और एज ए न्यू ईयर डे पर ये डिसीजन लिया गया था कि अब जो आप लोगों के रीफ टॉक्सिक्स हैं उनको टोटली बैन कर दिया जाएगा और जिसने भी इसे बेचने की कोशिश करी उस ओनर को ही बैन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सो द करेक्ट आंसर इज द क्वेश्चन नंबर 1 का सी, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज आप लोगों को इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि पिछले साल भी आप लोगों से कोरल के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइस, कोरल रीफ के बारे में, और ये हम लोग ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि कोरल रीफ क्या होता है। और हमारे दुनिया के अंदर आप मुझे बताइए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोरल रीफ कहाँ पर होता है और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है ना। ये आप लोगों को मुझे लाइव चैट में बताना है। मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, अभी रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने अभी रिसेंट डेटा दिया और आपको ये बताना है रिसेंट जो इन लोगों का सेंसस काइंड ऑफ हुआ था 2019 के अंदर, आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेथ, टाइगर डेथ अकर हुई है 2019 में, है ना। अभी रिसेंटली इसके बारे में पूछा गया है गाइस। और अब बाकी सारे एग्जाम्स भी आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया उसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों से पूछ रहे हैं गाइस कि 2019 में जब टाइगर सेंसस हुआ था तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टाइगर डेथ कितनी रजिस्टर की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 95। अभी रिसेंटली ये डेटा रिलीज किया गया है और बताया गया है 95 टोटल आप लोगों के 19 के अंदर 2019 के अंदर जो डेथ है टाइगर्स की वो रिपोर्ट की गई है। इसमें से 84 टाइगर्स वो हैं गाइस जो एक्चुअली डेड हो चुके हैं और 11 जो है वो मिसिंग है। क्यों? क्योंकि उनके उनके बॉडी पार्ट्स को अभी तक इतना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, बट हाँ माना जा रहा है कि वो भी अब मर चुके हैं। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि जो टाइगर्स हैं, है ना, कुछ 11 टाइगर्स है जिनको कोरोना वायरस भी हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो आपकी आती है। और ये डेथ रेशियो जो है वो थोड़ा कम हुआ है कंपैरेटिवली। 2017 के अंदर 115 डेथ्स हुई थी। उससे पहले अगर हम लोग बात करें 2018 में तो अराउंड 100 डेथ हुई थी। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है विच इज़ अ गुड थिंग, बट स्टिल अब क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ टाइगर्स भी डिक्रीज हो गए हैं तो ये भी एक बहुत चिंता का एक चीज़ है हम सभी के लिए। और इसीलिए इस तरीके के सेंसस होते रहते हैं और ये क्वेश्चंस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कंप्लीट टाइगर सिनेरियो आप लोगों को बताया था, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। ये भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग ऑनलाइन सर्च करोगे और लिखोगे अदिति मैम नेशनल पार्क वर्सेज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला वीडियो, उसमें मैंने कंप्लीटली बताया था और बताया था कौन से स्टेट के अंदर कितने टाइगर्स हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन से स्टेट के अंदर है गाइस। और बहुत सारे बच्चे आंसर इसका मुझे गुजरात देते हैं, तो क्या गुजरात सही आंसर है? सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से स्टेट में है इंडिया के? ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। अभी रिसेंटली आईएमडी, और अभी मैंने आप लोगों को यूएन पढ़ाया था तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि आप लोगों से यूनाइटेड नेशन से ही स्टार्ट होता है क्वेश्चन बिल्डअप होना। अब आप देख लीजिए आईएमडी की बात हो रही है यहाँ पर, और आईएमडी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है यूएन के लिए, बट अगर इंडिया के परस्पेक्टिव में पूछूं तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उनका भी स्टेटमेंट रिसेंटली आया गाइज ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया 2019। आपसे ही पूछा जा रहा है अरेबियन सी जो है जो इंडिया के वेस्ट कोस्ट के अंदर आता है उसमें 400% राइज देखा गया साइक्लोन्स के अंदर, जो कि रिपीट हुआ है 1902 के बाद में। आपने भी देखा और हम लोगों ने अराउंड 5 ऐसे साइक्लोन्स देखे थे जिसने अरेबियन सी के अंदर आए, 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उसमें से बहुत सारे तो अपन ने खुद ने कवर किए थे गाइस इसी चैनल पर भी। तो आपको ये बताना है कि वो 5 साइक्लोन्स के नाम क्या है। तो आप लोगों से वो 5 साइक्लोन्स के नाम हैं जो मैं पूछ रही हूँ। एमपी बिल्कुल सही, देखो द करेक्ट आंसर इज व्हाट डी। देखो जिनको नहीं भी दिख रहा है वो एक बार ध्यान से देख ले, क्वेश्चन मैंने समझाया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अराउंड 400% बढ़ गए हैं अरेबियन सी के अंदर, और ये चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। यहाँ पर आपका है अरेबियन सी और ये है आप लोगों का बे ऑफ बंगाल, हम सब जानते हैं ये चीज़ गाइस। अरेबियन सी जो है यहाँ पर अराउंड 400% जो है वो राइज देखा गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर। और अगर हम बात करें तो वायु, हिक्का, कयार, माहा और पावन 2019 में 5 साइक्लोन्स देखे थे। और उसके बाद 2020 के अंदर भी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अम्फान देखा, है ना, निसागरा देखा। तो ऐसे बहुत सारे साइक्लोन्स हैं जो देखे जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और सबसे ज्यादा जो है वो अरेबियन सी में माना जा रहा है। तो इसको लेकर सेंसस हुआ था। और अगर हम लोग बात करें किसकी, बे ऑफ बंगाल की, तो कंपैरेटिवली अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो कंपैरेटिवली कम है वहाँ पर, बट स्टिल साइक्लोन्स की अगर हम लोग बात करी जाए तो अरेबियन सी एक एपिसेंटर बना हुआ है यहाँ पर। इसके बारे में बात की गई थी, किसने, हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने। और अगर आप, मैं आप लोगों से पूछूं कि इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो ये है कि अभी रिसेंटली कौन सा स्टेट है जिसमें कंप्लीटली प्रेडिक्शन डिपार्टमेंट सेट कर दिया गया है जो ये बताएगा आप लोगों को कि साइक्लोन को लेकर या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर या इस तरीके की जो सिचुएशन अराइज होती है, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको लेकर प्रेडिक्शन सेंटर अभी सेट किया गया है रिसेंटली, है ना, जो स्पेशली काम करेगा किसको, इन्हीं चीज़ों को लेकर। बेसिकली वाटर, जितने भी आप लोगों के नेचुरल डिजास्टर होते हैं वाटर रिलेटेड, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो कहाँ पर है वो गाइस, क्या वो ओडिशा के अंदर है या फिर वो कर्नाटका के अंदर है? दो ऑप्शंस दिए हैं और क्योंकि मैंने ये कवर किया इसलिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंटली 96 यूनिक स्पीशीज देखी गई गाइस वेटलैंड बर्ड्स की। कौन से नेशनल पार्क के अंदर अभी रिसेंटली 96 यूनिक स्पीशीज जो है वो देखी गई है वेटलैंड बर्ड्स की? बिल्कुल सही, ओडिशा के अंदर वो सेटअप हुआ है गाइस। बताइए मुझे, और वीडियो को गाइज लाइक एंड शेयर सभी लोग एक बार कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक करें क्योंकि अब तो आपको पता ही है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एनवायरनमेंट में भी काम आएंगे। मैं पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बना के लेके आऊंगी। तो जो रिसेंट में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है वो 100% आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को शेयर करें, बाकी सभी स्टूडेंट्स तक भी पहुँचना चाहिए इन्फॉर्मेशन, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मीनिंगफुल दिया है। देखिए, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है क्या ये, ऑप्शन नंबर 1 की जो बात की जा रही है, काजीरंगा हो गया आप लोगों का, है ना, या फिर बुक्सा है, क्या होने वाला है? तो देखिए गाइस, 96 न्यू और यूनिक स्पीशी जो है वो देखी गई है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज काजीरंगा के अंदर। कहाँ पर है काजीरंगा, कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? आपका आसाम के अंदर है गाइज, है ना, आसाम वेरी वेरी फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क। क्यों फेमस है काजीरंगा? वन हॉर्न राइनो की वजह से फेमस है, राइट। तो आपसे अगर बात की जाए जो अभी रिसेंटली सेकंड वेटलैंड बर्ड काउंट हुआ था गाइस, तो वहां पर देखा गया कि 96 नई और यूनिक स्पीशीज जो है वो यहाँ पर देखी गई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अफ्रीका जो है वहां से सारी की सारी जो बर्ड्स है ये माइग्रेट होके हमारे कंट्री के तरफ आती है, मतलब इस एरिया की तरफ आती है। तो यहाँ पर नई स्पीशीज देखी गई है अराउंड 96, ठीक है ना। काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है, स्टेट ऑफ आसाम में है गाइस। जैसा हम लोगों को पता है राइनोसॉर्स जो है उसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यही देखा जाता है, और स्पेशली माइग्रेटरी जितनी भी बर्ड्स होती हैं आपकी वो भी यहाँ पर आती है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही सेम क्वेश्चन आप लोगों के 2019 के पेपर में भी आया था गाइस, है ना, इसी से रिलेटेड से। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने गाइस अभी एक रेड लिस्ट प्रिपेयर करी है और आपको ये बताया जा रहा है कि असेसमेंट ऑफ ऑर्किड्स जो है, इंडिया का ऐसा पहला कौन सा स्टेट बना है जिसने एक MOU साइन किया है IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि एक रेड लिस्ट असेसमेंट बनाएगा ऑर्किड्स को लेकर। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम या फिर अरुणाचल प्रदेश? देखिए गाइस, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है डी, वेरी गुड, है ना, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर जिसकी कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश है गाइस, जिन्होंने रिसेंटली अभी एक MOU साइन किया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को लेकर, जो कि एक रेड लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर असेसमेंट ऑफ ऑर्किड्स किया जाएगा। अरुणाचल पहला स्टेट बना है गाइस, और रेड लिस्ट के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? जितनी भी थ्रेटन स्पीशीज़ हैं आप लोगों की, एक क्रिटिकल इंडिकेटर के तौर पर यूज़ किया जाता है हेल्थ ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड के तौर पर, राइट। रेड लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस सर्वे की तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोटैनिकल सर्वे जो है इंडिया का, ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस है ऑर्किड्स का। ऑर्किड्स क्या होते हैं गाइस, वो खूबसूरत प्लांट्स है ना, फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं ये और बहुत रेयर हैं ये। तो इनके सेंसस की अगर हम लोग बात करें तो अराउंड 1256 दैट इज 1256 टोटल स्पीशीज देखी गई थी। और अगर अब हम बात करें जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज जो है ऑर्किड्स की वो पाई जाती है अरुणाचल के अंदर ही 612, फिर सिक्किम में है और फिर वेस्ट बंगाल के अंदर है। पूरा एरिया वही वाला है बेसिकली, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पूरा ही नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और फिर उसके नीचे वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। बट हाँ, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ये जो खूबसूरत फ्लावर है हमारा, इसको अब थ्रेटन स्पीशी का तौर पर, एक क्रिटिकल इंडिकेटर के तौर पर देखा जा रहा है और अरुणाचल ने इस पर अब काम करना भी शुरू कर दिया, विच इज़ ए ग्रेट थिंग। चलिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो थंबनेल पर भी आप लोगों ने देखा था, क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ गाइस कि अभी रिसेंटली इंडिया की क्या रैंक रही थी सीडीपी को लेकर, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। और आप लोगों ने अगर ईवीएस पढ़ा है आपने, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से याद होगा कि आप लोगों से क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन पॉलिसीज़ को लेकर हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रोटोकॉल्स हों आप लोगों के, है ना, चाहे आप लोगों की नई पॉलिसीज हो, कन्वेंशंस हो, ये हमेशा से एग्जाम में आता है। तो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में इंडिया की एनुअल रिपोर्ट अगर आई है, उसमें इंडिया की जो रैंक है गाइस वो देखी गई है 5th नंबर पे है इंडिया। 2018 में अगर हम लोग बात करें तो जो ये सेंसस था इसके अकॉर्डिंग 5th पोजीशन पर जो है वो इंडिया भी लाई कर रहा है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, एक एनवायरमेंटल एनजीओ है ये, जो 2018 में ये रिपोर्ट रिलीज करके गया था। अभी तक उसके बाद में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अगर हम लोग बात करें इस रिपोर्ट की तो इस रिपोर्ट को कॉर्पोरेट्स #StepUp क्लाइमेट एक्शन के तौर पर भी प्रमोट किया जाता है। ये भी याद रखना है गाइस कि 25 कंपनीज हैं जिन्होंने कमिट किया है कि वो अपने इस टारगेट को अकम्प्लिश करने के लिए, जो पेरिस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जाएगा, तो जितने भी साइंस बेस्ड टारगेट्स हैं वो इसी के अंदर साइन किए गए थे और इसी रैंक को देखते हुए, ठीक है ना। यूएस, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस, उसके बाद में हम 5th रैंक पर यहाँ पर अभी चल रहे हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट एग्जामिन करती है कि किस तरीके से आप जो कार्बन ओरिएंटेड या कार्बन रिलेटेड आप लोगों की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको आप रिड्यूस करते हो। अराउंड 58 कंपनीज है इंडिया के अंदर और 59 फर्म्स हैं जिनका सर्वे किया गया कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं और जो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज हैं उसके मिटिगेशन के लिए, मिटिगेशन मतलब उसकी कमी के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितनी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं और किस तरीके से कार्बन के डिस्क्लोजर के बारे में काम कर रहे हैं, है ना। तो ब्रॉडर लेवल पे एक ओवरसाइट देखा जाता है कि आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर ये किस तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं, है ना। हर स्टेट का यही काम होने वाला है, मतलब बेसिकली हर कंट्री, जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, कार्बन न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रही है। जैसे न्यूजीलैंड है वो अब टोटली कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा, बन चुका है 2021 के अंदर, है ना, उन्होंने अनाउंस कर दिया है ये चीज़। बिल्कुल इसी तरीके से तो यूएस, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और फिर अगर हम लोग बात करें इंडिया, तो इन्होंने भी कॉर्पोरेट करने का काम यहाँ पर लगाया है और बोला है कि हम साइंस बेस्ड टारगेट्स बनाएंगे और उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लास्ट रिपोर्ट आई थी उसमें 5th नंबर पे इंडिया की रैंकिंग चल रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही हूँ गाइस, ये जो है ये रिलेटेड है आप लोगों के हैबिटाट से और ये क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली परमिट किया है टू इंट्रोड्यूस विच एनिमल टू इंडियन हैबिटेट फ्रॉम नेमीबिया से अभी रिसेंटली इंडियन हैबिटेट के अंदर। और इस चीज को क्या बोलते हैं गाइस, है ना, बाहर के हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में अंदर लेके आना किसी भी स्पीशी को इन ऑर्डर टू कंजर्व दैट स्पीशी। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों का जो मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों का लिया था स्पेशल में, उसमें मैंने आप लोगों से चीज पूछी थी। एक तो होता है कि जो उस स्पीशी का नेचुरल हैबिटेट होता है उसी के अंदर हम लोग उसके लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स डालते हैं ताकि हम उसे कंजर्व कर सकें, इस प्रोसेस का एक अलग नाम होता है। और स्पीशी को अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी दूसरे हैबिटेट में रखना ताकि हम उसे कंजर्व कर सकें, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। अफ्रीकन एलिफेंट है, लायन है, चीता है या राइनोसॉर्स है, किसे बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने किसे किया है, एक्स सितु। वेरी गुड शीतल। ये कैसी प्रोसेस होती है गाइस, एक्स सीतू प्रोसेस इसे बोला जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के ऑलरेडी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है ना। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है गाइस? अफ्रीकन चीता इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अफ्रीकन चीता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है और ये आने वाला है कहाँ से? अफ्रीका से ही आ रहा है, ऑफकोर्स नामीबिया जो अफ्रीकन कंट्री है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो इसी रहा है ताकि हम लोग इसका कंजर्वेशन लगा सके, ठीक है ना। जो हमारे एशियाटिक चीता हैं कॉमनली, जिनको हम इंडियन चीता भी बोलते हैं, ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे आ चुके हैं अब। तो हमारी जो NTCA है, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, उन्होंने ये पिटिशन डाली ताकि वहाँ के चीता को यहाँ पे लाया जा सके और ऑफकोर्स इनको कंजर्व किया जा सके, इनका हैबिटाट बढ़ाया जा सके, इस स्पीशी को हमारे देश में भी बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो बोबडे जी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने इस बेंच को हेड किया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने मिलकर ये सारा डिसीजन लिया, जो किसके पक्ष में गया? जो आप लोगों की नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उन्हीं के पक्ष में गया। और अब फाइनली इसको परमिशन दे दी गई है कि अफ्रीकन चीता को यहाँ पर लाया जाएगा, है ना, ताकि हम ये जो चीता स्पीशी है इसको कंजर्व कर सके हमारे देश के अंदर भी, क्योंकि ऑलमोस्ट अब ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे आप लोगों से पूछ रही हूँ कि अभी रिसेंटली कितनी वेटलैंड्स हैं जिनको ऐड किया गया है एज रामसर साइट्स? अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी रेपिटेटिव कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों से काफी बार एग्जाम्स में देखा होगा आपने क्वेश्चन, है ना। टोटल वेटलैंड साइट्स कितनी है, मतलब रामसर साइट्स कितनी हो गई है अब, और अभी रिसेंटली कितनी ऐड हुई है? 8, 10, 12 या 14? तो सिंपल सा आंसर है इसका 10। टोटल अब कितनी हो गई है? 37, राइट। टोटल 37 हो गई है अब। तो यूनियन मिनिस्टर जो रहे हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने रिसेंटली अब अनाउंस किया कि 10 और इंडियन वेटलैंड्स हैं जो यहाँ पर आ चुकी हैं और अब इनको इम्पोर्टेंस बाय रामसर दिया जाएगा। 37 अब टोटल हो गई हैं अराउंड 1 मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर, ठीक है। अरे 12 नहीं 10 है भाई, क्या बोल रहे हो? अरे अरे सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं, क्यों भाई? है ना, टोटल रही थी आपकी ये 37। उसके बाद में अभी और रिलीज हुई है क्या? ठीक है। अगर हम लोग बात करें लास्ट टाइम जब महाराष्ट्र की आप लोगों की साइट्स ऐड हुई थी, तब तक कितनी थी आपकी? 37 थी। उसके बाद में, हाँ तो बोलने तो दो, अभी उसके बाद में कितनी इंक्रीज हुई है? इसके बाद में और भी रामसर साइट्स इंक्लूड हुई है क्या गाइस अभी आप लोगों की? हाँ तो वही तो मेरा क्वेश्चन होने वाला था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो देखो, जब तक महाराष्ट्र वाला ऐड हुआ था, है ना, लास्ट जब आप लोगों की महाराष्ट्र की साइट्स आई थी और उत्तर प्रदेश की साइट्स आई थी, 6 नई साइट्स, तब आपकी टोटल थी 37 हो गई थी, राइट। अब कितनी और ऐड हुई है? अभी लेटेस्ट जो ऐड हुई है, वेरी गुड, लद्दाख वाली जो रिसेंटली ऐड हुई है, उसको जोड़ते हुए अगर हम लोग देखें तो अभी टोटल और कितनी ऐड हो गई है? 5 अभी रिसेंटली और ऐड हुई है गाइस, और टोटल हमारी अब 42 हो गई है अकॉर्डिंग टू 2021, ठीक है। नहीं 54 नहीं है, 42 ही है, ठीक है, 42 ही है। तो क्वेश्चन को समझा तो करो, पूछा क्या है वो तो देखा करो, ठीक है। ईयर मेंशन करना मैं भूल गई, ठीक है, मैंने ज्यादा अच्छे से प्रिस्क्राइब नहीं किया इसको, बट अब टोटल आपकी इतनी हो गई है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देके जाने वाली हूँ। अभी आप लोगों से मैं रिसेंटली पूछ रही हूँ कि टाइलर प्राइज एनवायरमेंटल अचीवमेंट को लेकर अभी दिया गया, कौन से इंडियन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, ये आपको बताना है गाइस, है ना। और सभी लोग एक बार जरूर गूगल करके देखेंगे जितनी भी वेटलैंड्स है। अभी रिसेंटली जैसे मैं आपको बता रही हूँ, लद्दाख की जो वेटलैंड है वो रिसेंटली एडेड वेटलैंड है। आपको ये देखना है कि बाकी सारी वेटलैंड्स कौन सी, एक बार नजर जरूर मान लेना। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है ऑलरेडी, नहीं तो बाकी आप गूगल करके भी देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, लाइव चैट में कोई आंसर नहीं देगा, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डेली करूँ तो जरूर कॉमेंट करके बता देना, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अब 8 बजे वाली क्लास में रिसर्च एप्टीट्यूड में। आज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पे बात करेंगे, बहुत ही मज़ेदार। और फाइनली हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स के साथ आपके साथ क्लासेस लेने वाली हूँ। नया बैच स्टार्ट हो गया है गाइज, और नए बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट के लिए आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेफरल कोड Aditi 10 यूज़ करके नए कोर्स में एनरोल कर लेना है। ठीक है, Aditi 10, जिससे आप लोगों को अभी नया कोर्स मिल जाएगा। कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी लोगों ने डेडिकेशन दिया है मुझे, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से जुड़े रहिए, तैयारी हम लोग अच्छे से करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा गाइस, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन आता है। कमेंट करके ज़रूर बताना आंसर जो मैंने आप लोगों से पूछा है। मिलते हैं आप लोगों से अभी 4 मिनट बाद 8 बजे वाले वीडियो में, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड आपसे डिस्कस